बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सऊदी अरब के एक बुज़ुर्ग कारी कुरान अहमद खलील शाहीन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बेमिसाल आवाज़ से नवाजा है। इन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी ही मस्जिद की इमामत करते हुए गुजार दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इनकी आवाज़ में अजीब सौज़ो गदाज़ रखा है। इनके पीछे नमाजें पढ़ने वाले अक्सर लोग बेख्तियार होकर रोना शुरू कर देते हैं। ज़रा सुनिए इस बुज़ुर्ग कारी कुरान की तिलावत कलाम मुजीद। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ। हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि वो दिल जिसमें कुरान करीम का कोई हिस्सा याद नहीं है उस घर की तरह है जिसमें कोई आबाद नहीं होता। अगर आप दिल का सुकून चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस ज़िक्र को अपने दिल में जगा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िक्र में ही दिलों का सुकून रखा है। अल्लाह हम सबको इस मुकद्दस कलाम के साथ तल्लक बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।